हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आईटी ब्रांच। देखो, इससे पहले ही मैंने ऊप्स का, इसको प्यार से ऊप्स बोला जाता है, ठीक है, तो इससे पहले मैंने सीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला था, आईटी वालों को थोड़ा सा दुख हुआ, तो भैया आप दुखी ना हो। तो आज हम लोग उप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। और आज कौन से ब्रांच के बारे में बात करेंगे बेटा? आईटी ब्रांच वाले बच्चों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो यार, सिंपल सी एक बात आप समझना, उप्स में आप फेल नहीं करोगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए। बिना प्रोग्रामिंग का यार कोई भी टीचर आपको पास होने नहीं देगा। तो आपको इतना करना, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उतना आप कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आप देख लेना, ताकि प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, है ना। तो जो प्रीवियस ईयर प्रोग्रामिंग है उसको आप देख लोगे, है ना। लगभग थोड़ा सा आगे पीछे होता है, चीजें चेंजेस होती हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी प्रोग्रामिंग है प्रीवियस ईयर के, अगर आप उसको यूट्यूब में सर्च करते हो ना, तो वो मिल जाएगा। देखो, सीएस वाले में प्रोग्रामिंग कम पूछता है, आईटी वालों में ज्यादा पूछता है। जो भी प्रोग्रामिंग्स है वो सारी कॉमन प्रोग्रामिंग है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो ये मत सोचना भैया कि टफ है, हमसे ना हो पाएगा, सबको आप YouTube में सर्च करो। एंड एज अ सीएस वाले भैया, आपको तो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, है ना। स्टार्टिंग के अगर आप चार यूनिट भी पढ़ लेते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यूनिट भी पढ़ लेते हो ना, आपका काम बन जाएगा। 40 से 50 क्वेश्चन कर लो, है ना, ये आपको परेशानी नहीं देगा। फिलहाल आपको परेशानी कौन देने वाला, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने नोट कर लो भैया, है ना। उसके बाद आपकी परेशानी के बारे में बात करते हैं। यूनिट वन बड़ा है, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको बहुत मिलेंगे, इनको आपको कवर अप करना है। देन यूनिट नंबर टू, ठीक है, इसमें भी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, 12 क्वेश्चन है। यूनिट नंबर टू थोड़ा बड़ा है, 16 क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट। एंड इसके बाद यूनिट नंबर थ्री, यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ना। बेसिक टर्म्स मैंने ज्यादा लिए, प्रोग्रामिंग तो रहेगा, इस बात को ध्यान देना, प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रोग्रामिंग आपको पास नहीं करेगा सामने वाला, तो प्रोग्रामिंग करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं। और बाकी इस बार लिखने का मैं नया तरीका बताऊंगा एग्जाम से पहले, तो उसको आपको फॉलो करना है। यूनिट नंबर फोर में देख लो, सिर्फ 6 क्वेश्चन है, एंड यूनिट नंबर फाइव में भी 10 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, लेकिन प्रोग्रामिंग देखो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी यूनिट्स में लगभग प्रोग्रामिंग है मेरे हिसाब से। अगर आप चार यूनिट भी कर लेते हो और साथ में अगर आप प्रोग्रामिंग कर लेते हो बेटा, आप आराम से पास हो जाओगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो, अभी सिर्फ टेंशन इस बारे में है ना कि अभी आप आईटी ब्रांच में हो, और अभी मानकर चलो आपका कोई ना कोई पेपर बैक है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका M1 बैक है, बहुत ऐसे बच्चे M2 बैक है, ED बैक है, BEEE बैक है। तो बेटा एक बात आप समझना थोड़ा अच्छे से, कि अगर इस बार थर्ड में आप इसका पेपर दोगे, थर्ड सेमेस्टर में आप इन सब्जेक्ट का पेपर दोगे, और अगर इसमें से कोई पेपर रह गया ना, तो यही पेपर फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको देने मिलेगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा पेपर हो जाएगा बेटा? मर्सी पेपर हो जाएगा। RDP भी पागल है, कभी भी साला कुछ भी पूछ देता है, बुक के बाहर का क्वेश्चन पूछ देता है। तो भाई साहब, अगर आपका बैक है ना, तो आप इस बार बैक को क्लियर कर लेना। अगर थर्ड में बैक लगता, मैं क्लियर करवा दूंगा। किसी बच्चे का अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक लगता है ना, अगर आप फोर्थ में भी नहीं करो, मैं करवा दूंगा, वो मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन भैया फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा बच के रहो, है ना। हमेशा ये लापरवाही की वजह से बहुत ऐसे बच्चे हैं, CSIT वाले बच्चों का M2 की वजह से सेमेस्टर बैक हो गया, ED की वजह से सेमेस्टर बैक हो गया। तो भाई हम नहीं चाहते कि आपका सेमेस्टर बैक हो। तो आप जो बैक पेपर, उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिए, इसको एग्जाम के टाइम में ही पढ़ोगे थोड़ा बहुत, तो हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। बैक पेपर को अपन को क्लियर करना है। मैं फिर से हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में इस बात को रख रहा हूं। बच्चे बोले सर हमें पता नहीं था, बहुत ऐसे कॉल आते हैं, इसका सेमेस्टर बैक हो गया पता नहीं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को पता नहीं, कॉलेज वालों को बताना चाहिए, वो बता नहीं रहा, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल कोई महानता वाली बात नहीं, मैं बस आपका हेल्प आउट कर रहा हूं, बस इस बात को हम ध्यान रखना भाई, क्लियर करो। और अगर थर्ड में लगता है ना, अगर आपका थर्ड सेम में बैक लगता है, वो मैं क्लियर करवा दूं, लगने दो, एक आध दो लगता है लग जाने दो, लेकिन भैया फर्स्ट ईयर के पेपर को क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए, आपके लिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स अभी 500 में मिल रहा है, एंड इसी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपको डेटा स्ट्रक्चर का बहुत सारा चैप्टर मिल रहा है, लाइक ग्राफ, लाइक ट्री, है ना, स्टैक आपको मिल रहा है,
सर्चिंग आपको मिल रहा है, सॉर्टिंग आपको मिल रहा है, इतने सारे फ्री लेक्चर्स आपको इसी 500 वाले कोर्स में मैंने इंक्लूड कर दिया। तो अगर अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स लेके अपने डेटा का तैयारी आप कर सकते हो, डिस्क्रीट की तैयारी आप कर सकते हो। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखो बेटा, एंड ध्यान देना, थोड़ा सा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। भाई सीएस वालों का भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है ना, सीएस वाले बच्चे अगर कोई देख लिया ना, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना। अगर आपका ब्रांच सीएस है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देखो, ये आईटी ब्रांच वालों के लिए है ना, सर नहीं पटकने का, ठीक है? टाटा।